मैडम इकड़े एकदा वरती डन थैंक यू थैंक यू क्लियर 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 आराम से क्या आराम से है जो उसकी गाड़ी के पास ओ क्या कर रहे तुम लोग यार बाबा जरा पीछे बाबा यहाँ पर बाबा सामने बाबा सामने सामने बाबा चल आजा साइड हो आराम से आराम से लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम संजय दत्त Always a pleasure working with Dharma and to see you grow like that. I'm so proud of you, Karan. And to work with Varun and Sonakshi and Adi and Alia and most of all, ma'am, Madhuri ji. I really enjoyed this journey and I just want to be a part of that. Thank you, Sanjay. We love you. जैसे मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि बहुत अच्छा लगा और बहुत समय के बाद मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और यही कोशिश करूँगा कि ज्यादा काम Karan, towards your left. Towards your left. Yes, I think हम कितने 20 plus years के बाद काम कर रहे हैं साथ में और हाल ही में मैंने अनिल जी के साथ भी बहुत सालों बाद काम किया था. So it's always wonderful to work with you know co-actors you worked with before. और इसमें भी वैसा ही लेकिन I think it's been wonderful. जी मेरे पास भी एक सवाल है कि जब सेट पे थे तो संजू सर माधुरी मैम मतलब मैं ऑब्वियसली मैम ही बोला बट ये भी मैम ही बोला तो मैं थोड़ा तो तुम भी सीखो तुम भी मुझे मैम बुला मैं तो आपका बाप हूँ करण सर ओयो कलंक आपके फादर की फादर का सपना था और वो उनके दिल से काफी ज्यादा करीब था तो अब आपको जब कलंक फाइनली रिलीज हो रही है और ट्रेलर इतना बेहतरीन है तो आपको उन पलों की कुछ टीजर इतना बेहतरीन है तो आपको उन पलों की कुछ याद आती है जो जब आपने आपके डैड ने आपको ये स्टोरी सुनाई थी अगर आप कुछ बता पाए तो एक्चुअली कहानी ये जैसे कि मैंने कहा है कि 2003 में जब कल हो ना हो रिलीज हो रही थी तो उसके बिल्कुल 2 महीने बाद इस कहानी का जो जर्म था जो आइडिया थी वो मेरे जहन में आ गई थी उसके बाद मैंने पापा के साथ बहुत शेयर किया क्योंकि जिस जो एटमॉस्फेयर है फिल्म का मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा फिल्म जो एटमॉस्फेयर थी वो पापा को उसकी बहुत नॉलेज थी
तो वो खुद गए थे कुछ एरियाज में रिसर्च करने और वो बीमार भी थे, ही वाजंट वेरी वेल, लेकिन उनका पैशन, वो पहले करियर में फोटोग्राफर हुआ करते थे, तो ही वेंट एंड टुक सम अमेजिंग फोटोज ऑफ सर्टेन लोकेशंस दैट ही थॉट दैट वी कुड हैव इन आवर फिल्म. वो तस्वीरें अभी भी मेरे पास है, हमने आर्काइव किए थे. और फिर जब जून 2004 में वो चल बसे, उसके बाद ऐसा हो गया था कि इतनी सारी यादें जुड़ी थी उस कहानी के साथ, तो मैं बना नहीं पाया, मुझसे हुआ नहीं. मैंने ऑलरेडी फिल्म एक्चुअली प्लान कर ली थी, मैं शूटिंग करने जा रहा था एंड ऑफ द ईयर, लेकिन उसके बाद मुझसे हुआ नहीं. बहुत साल गुजर गए उसके बाद. और फिर कभी कभी मैं ये कहानी सबके साथ शेयर किया करता था. आई थिंक धर्मा प्रोडक्शन में जो भी मुझसे करीब है वो सब जानते हैं कि कलंक की कहानी क्या है. और एक दिन मैंने अभिषेक वर्मन को वो कहानी बताई और उन्हें बहुत पसंद आया, एंड आई जस्ट फेल्ट दैट ही वुड, फिल्म वुड बी इन द राइट हैंड्स विद हिम. तो उन्होंने डेवलप किया. और आज जब ये पिक्चर देखता हूँ, मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर बहुत सारी फिल्में बनती हैं कंपनी में, हर फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन ये मेरे लिए एक, मैं कहूँगा स्पेशल से ज़्यादा इमोशनल है. एंड आई वुड से दैट दिस फिल्म, और मैं ये नहीं कह रहा कि कल जाके इस फिल्म के साथ, आई ओनली होप द बेस्ट फॉर इट, लेकिन फॉर मी इट्स बियॉन्ड दिस बॉक्स ऑफिस एंड बियॉन्ड व्हाट आई थिंक द इवेंचुअलिटी द फिल्म विल बी, बिकॉज द फैक्ट दैट ये मेरा, मेरे पिताजी का एक सपना था जो पूरा हो गया आज, एंड आई थिंक दैट मींस द वर्ल्ड. करण सर ऑन योर लेफ्ट, स्लाइटली ऑन लेफ्ट, दिस इज सिमरन सिंह हियर, यो ऑन योर लेफ्ट. हां बोलो ऑन योर लेफ्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड द टीम, द टीजर इज फैंटास्टिक. माय क्वेश्चन टू यू इज, इन द टीजर वी सॉ दैट द ड्यूरिंग टाइटल्स ऑल द फीमेल लीड्स नेम वर फर्स्ट एंड देन देयर वाज द मेल कास्ट नेम, सो वाज दैट अ कॉन्शियस डिसीजन? माय डियर, यू एंड आई वर ब्रॉट इनटू दिस यूनिवर्स बाय वुमेन. I've been raised by a group of strong women, and these three wonderful women are the heart, soul, and spine of Kalank. There is no way in hell that the men could ever match up to their prowess, their beauty, and their intellect. And that is the reason why they stand tall and proud and first in the series of events. I'm waiting for the day that this question won't even pop up. It shouldn't be a surprise. Good, very good. So, मेरा सवाल आपसे और आदित्य से है कि usually there is a perception towards ensemble cast कि सबको वैसा role नहीं मिलता, the kahani is centered towards primary characters. But what was the reason that you signed the film? Is it because that you thought that your character would be has a depth to it? What was the reason that you said yes to Kalank? I think you asked a question and answered it as well. Yes. Yeah, we did do it because there was actually depth to every character, and like I mentioned earlier, the script was something that blew me away, and Abhishek's vision, which was really clear. And then when you have a director that can put his message across to you about how he's seeing something, and you feel safe and comfortable about that, I think everyone feels good in that place. All right, we have two more questions. It's this film, since you said ensemble, it's a true ensemble film. So that means every character is a primary character. Even if you see a monkey, he'll also be a primary character. No monkey, so yeah. It's a true ensemble. There's a bull. Okay, sorry, I'm just saying in case you see it. Yeah, the bull and Karan. This is a film about these six people and their relationships and what they go through, what changes their lives. So I think everyone has a very, very important role to play with. Karan. We have last two questions. Yeah, Karan. देखिए मैं एक्चुअली डिजाइनर नहीं, फिल्म मेकर हूँ, तो मैंने इनको बिल्कुल तैयार नहीं किया. काफी तैयार होके खुद आए हैं ये, और आई थिंक ये आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट है, तो ये अपना रोल देख के और फिल्म देख के और फिल्म की इमोशनल और भावनाएं देख के वो फिल्म करते हैं. तो इसलिए ऐसे कोई मुझे कोई ज्यादा मेहनत, वरुण, आलिया, माधुरी, संजय आदि, सोनाक्षी, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और फिल्म किया है, तो स्पेशल कोई मेहनत मैंने किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व नहीं है. सबसे ज्यादा मेहनत मुझे आई थिंक फॉक्स और साजिद के साथ है. ये पिक्चर बनानी चाहिए इस बजट में या नहीं? भैया आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आपको बहुत मजा आया ये देख के, और ये गुफ्तगु भी करके इनके साथ और भी मजा आया. करण खेल उठते हैं पीछे. हां जी, ए वन लास्ट क्वेश्चन. करण यस यस सर, यू हैव अ क्वेश्चन फॉर संजू? करण, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर आलिया एंड वरुण. हेलो. So, Ali, Varun, we have seen you in Humti, Padri, and Student, all urban films. Yeah.
So how was... How are Humpty and Badri Herbert films? But it's quite different from this color. Not a period. Yeah. So how was working with this film? And Karan, you also tell us ki kitna difference hua in mein, student to Karan. Just... I think बच्चे बड़े हो गए। I think इस फिल्म के दौरान मैं ये मैं कह सकता हूँ कि वो बच्चे थे 2012 में जब उन्होंने स्टूडेंट के किरदार निभाए थे और आज अभी मुझे लगता है कि बड़े हो गए। आपने अगर विजुअल्स देखे होंगे तो ऐसा लगता है कि सब बड़े हो गए। But was it different from the other? This some things don't change, but वरुण सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा है स्पेशली। और हालांकि शुरुआत में हमारे बीच कुछ लड़ाई हो रही थी, शुरुआत में बहुत लड़ाई हुई थी क्योंकि प्लीज टेल द रीजन व्हाई लड़ाई हुई थी। बिकम फाइन व्हेन आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग। नो वी नॉट व्हेन यू फेल डाउन। पहले तो आलिया जब सेट पे आई तो बहुत मतलब एटीट्यूड से बिहेव कर रही थी मेरे साथ, तो मैंने पूछा अरे ऐसे क्या हो गया तुम्हें। She said, क्या दो तीन बड़ी फिल्में साइन कर लिए तो तो एक दिन मैं थोड़ा सा लेट आया था और लेट का मतलब है मैं 20 मिनट लेट आया था 20 मिनट आई सेड एंड आई अपोलोजाइज टू पीपल एवरीवन बट आलिया वाज नॉट टॉकिंग टू मी। और फिर उनको एक कैरेज पे चढ़ना था और मुझे पता था कि ये गिरेगी ही और गिर के जाएगी किधर, मुझे ही पकड़ना है। तो जब वो गिरी और मैंने पकड़ा, अभिषेक को सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट फिर तब आलिया हंसी एंड देन वी बिगिन फ्रेंड्स। या नो बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स लवली, आई लव वर्किंग विद हिम एंड ही इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई हैव टू से ही इज फैंटास्टिक इन द फिल्म इन माय सवाल ये है संजय जी कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा कलंक जिसे आप हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं? आप कलंक वो अभी मिट गया लगता है। अरे दत्ता उसको बिठाना नहीं है। अरे रहीम 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 धोखे थे। अरे रहीम यार क्या कर रहा है यार रहीम। अरे रहीम। अरे अश्विनी। अरे रहीम। अरे स्टील ले दो। अरे स्टील। नहीं नहीं रुक कर रहा हूँ। अरे कौन है? ए स्टील बैठो रे। अरे स्टील बैठना बैठो। वीडियो के लिए, वीडियो के लिए अश्विनी बसता कर। अश्विनी अश्विनी अश्विनी। अरे अश्विनी अश्विनी